आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, या कहे मैं भी चौकीदार, ये शब्द सुनते सुनते क्या एक लहर का रूप धारण कर चुके हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2019 के आगाज के साथ ही बस यही नारा गूंज रहा है, जिस कारण नरेंद्र मोदी को देश का दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर राज्य की भाजपा टीम पूरा जोर लगा रही है। लेकिन अगर बात करें हरियाणा की, तो यहाँ मोदी जी की राह आसान नहीं है। एक तो जाटलैंड और दूसरे यहाँ के राजनीतिक परिवार। जी हाँ, वो राजनीतिक परिवार जिनके लाल अब मैदान में हैं, और ये लाल भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हाल ही में हुए जींद उपचुनाव में दूसरे नंबर पर देवीलाल के पौत्र दुष्यंत चौटाला अपना जलवा दिखा चुके हैं, तो वहीं तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस के सभी नेता भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पूरे हरियाणा का चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में ये भी खास है कि जब 2014 में मोदी लहर से बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो रहे थे, तो उस समय भी देवीलाल परिवार के दुष्यंत चौटाला ने हिसार में और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा ने मोदी लहर को रोहतक में रोकने का काम किया था। अगर लोगों में रसूख की बात करें, तो पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल अपनी बेदाग छवि और मिलनसार स्वभाव के कारण दो बार देश के उप प्रधानमंत्री बने, तो इसीलिए ग्रामीण आंचल के बुजुर्गों में उनका एक खास दबदबा है। और वहीं ओम प्रकाश चौटाला, जिसे लौह पुरुष भी उनकी पार्टी के वर्कर कहते हैं, वो प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उनकी पकड़ प्रदेश की जनता में अच्छी खासी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की राह को हरियाणा में और कांटों भरा कर दिया है बसपा और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के समझौते ने। किसी का जाटलैंड पर कब्जा, तो कोई पिछड़ों और दलितों का सरताज बन बैठा है। ऐसे में मोदी की डगर हरियाणा में आसान नहीं है। K9 मीडिया के लिए अरुण दुहन के साथ राजेंद्र कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।